नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और मेरे इस चैनल स्टडी विद आकाश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बातें करने वाले हैं व्हीट स्टोन सेतु या फिर व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम WSB कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज, WSB। ठीक है, तो ये आपके सामने व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है, व्हीट स्टोन सेतु। अगर जैसे कि हम सबके कैपेसिटेंस अगर हम सेम ले लें, CCC सबके कैपेसिटेंस अगर हम सेम ले लेते हैं, और ये आपकी क्या जुड़ी हुई है, ये आपको बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये आपकी बैटरी जुड़ी हुई है, ये आपको व्हीट स्टोन ब्रिज आपका इसी तरह से होता है। हर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, हर क्वेश्चन में मतलब जैसे कि जो आपके व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये कुछ अलग अलग डिजाइन का बना होता है, लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज एक जनरल यही होता है। ठीक है, इसमें 5 कैपेसिटर लगे होते हैं, इसमें 2 लगे होते हैं, जैसे ये दोनों लगे होते हैं सीरीज में, और ये दोनों लगे होते हैं सीरीज में, लेकिन ये दोनों ऊपर और नीचे ये दोनों लगे होते हैं पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बट के जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज बट के जा रहा है। तो अगर हम समान कैपेसिटेंस के ले लेते हैं 5 कैपेसिटर, तो अगर जैसे ये अगर व्हीट स्टोन ब्रिज है, 5 कैपेसिटर है, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह अगर होगा वो क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये जस्ट तिरछे अपोजिट वाला जिसको हम लोग डायगोनल कहते हैं, डायगोनल स्थिति। तो डायगोनल पे अगर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर के अगर कैपेसिटेंस सेम है, मतलब ये सबके कैपेसिटेंस तो हमने सेम लिए हैं, लेकिन इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई इसके इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर अगर आता है, तो आपका ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज ये संतुलन में है, मतलब ये इक्विवेलेंट में है। ठीक है, ये बैलेंस में है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज आपका जनरल ऐसे ही होता है। तो अगर इन दोनों के कैपेसिटेंस हम निकालें, ये दोनों क्या है, 1 2, ये दोनों क्या है, सीरीज में ऐसे हैं, ये दोनों सीरीज में है, तो इनका क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो 1/C बराबर 1/C प्लस 1/C, इसका क्या आ जाएगा आपका C1 प्लस C2। ठीक है, तो C बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद अगर इसका भी निकालेंगे तो यही आएगा, C बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, दोनों का कैपेसिटेंस ये इस इन दोनों का आ गया और ये इन दोनों का आ गया। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। उसके बाद क्या करेंगे, पहला दूसरा आ गया, इन दोनों को, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो सी बराबर क्या कर देंगे, सी बराबर कर देंगे C1 प्लस C2। अब इसको लिख दीजिए, C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो नीचे भी आ जाएगा C1 प्लस C2 और ऊपर आ जाएगा आपका 2C1 प्लस 2C1 C2 आ जाएगा। ठीक, C बराबर आपका आ जाएगा 2C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये होगा आपका आंसर। इसमें ये जो बीच वाला, अगर ये व्हीट स्टोन सित होता है, तो इसकी मेन बात ये है कि बीच वाला अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में सेम है, तो ये बीच वाला जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू जीरो मान लेते हैं, इसकी वैल्यू जीरो मान लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो मान लेते हैं। अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसके और इसके मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई सेम आते हैं, ठीक है, दोनों सेम वैल्यू आती है, तो ये बीच वाला कैपेसिटर जीरो मान लेते हैं, मानते हैं कि इसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मानते हैं इसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। तो ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसे ही बना होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बातें करेंगे कैपेसिटर की। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।